Hey guys, this is Rajkumar Garkini. Welcome back to the new log. And actually, आज का जो ये सीन है ना, आज मैं लॉग नहीं करने वाला था. मैं घर से बहुत पहले ही निकल चुका हूँ. एंड मेरा आज का प्लान एक्चुअली ये था कि मैं कुछ वीडियो शूट करूँगा, उसके साथ साथ हम लोग मुझे घर से बाहर निकला था. क्यों? रीज़न इज़ कम्फर्ट जोन. मेरा कम्फर्ट जोन एक्चुअली मेरा घर था. एंड मैं दिन रात एक्चुअली घर पे ही रहता था, तो मैंने सोचा था कि चलो थोड़ा बाहर जाएंगे एंड कुछ ना कुछ तो भी करेंगे. बट कम्फर्ट जोन में रह के आप खुद से खुश तो रहते हो, इट मीन कि आप सेटिस्फाइड रहते हो. एंड वो कम्फर्ट जोन आपको अपने सपने से दूर लेके जाता है. एंड आप अंदर ही अंदर खुद से खुश तो रहते हो, सेटिस्फाइड तो रहते हो, बट थोड़ी सी नेगेटिविटी आने लगती है एंड आप खुद से डिसअपॉइंट होते हो कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. तो बेटर यही रहेगा कि आप कुछ ना करो बट घर से बाहर निकलो. रिसेंटली एक वीडियो बनाया था द स्टोरी ऑफ मिडिल क्लास बॉय. उस पर अगर देखा जाए जो उससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा कमेंट्स आए. इट मीन कि आप लोग उस वीडियो को देख के खुद को रिलेट कर पा रहे हो एंड मुझे देख के बहुत अच्छा लगा. रियली यूट्यूब पे वीडियोस बनाना क्या है, लाइक होता क्या है एक्चुअली, जो यूट्यूब पे जो क्रिएटर्स होते हैं वो लोग वीडियो बनाते हैं एंड यूट्यूब पे अपलोड करते हैं एंड यूट्यूब के थ्रू उन्हें कुछ अर्निंग होती है. बट एक्चुअली अगर देखा जाए या अगर अर्निंग हो या चाहे ना हो, इट डजेंट मैटर. मेरे लिए एक हैबिट सी हो गई है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ एंड उसे यूट्यूब पे अपलोड करूँ एंड देन उसके बाद उस वीडियो में जितने भी कमेंट्स आते हैं या लाइक्स आते हैं तो उसे देख के एक अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है. एंड सपोज अगर यूट्यूब पे अगर अर्निंग नहीं होती तो हम लोग वीडियो बनाए होते. आंसर इज यस. तो ये बात है 2016 की, जिस टाइम पे मुझे ना ही लाइक्स एंड कमेंट्स समझते थे एंड उसके साथ साथ एक्चुअली सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं इसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था. बट मुझे बस शौक था कि मैं वीडियोस बनाऊं और उसे अपलोड करूं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पेज पे हो या फिर क्यों ना यूट्यूब पे हो. स्टार्टिंग से ही खुद के बेस्ट फ्लिप्स एंड बेस्ट मोमेंट्स को कैप्चर करना अच्छा लगता था. तो उस टाइम पे मैं कुछ फ्लिप्स के प्रैक्टिस करता था एंड उसके साथ साथ मैं चाहता था कि अपने मैं बेस्ट फ्लिप्स को, बेस्ट मोमेंट्स को कैप्चर कर सकूँ. तो मैं बस खुद के वीडियोज़ को रिकॉर्ड करता था एंड उसे सारे वीडियोज़ को अच्छे से स्टोर करके अपने पास रखता था. एंड मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि हम लोग इस वीडियो को, मतलब मल्टीपल दो वीडियोज़ को हम लोग एडिट भी कर सकते हैं करके. तो मैं एक दिन क्या करता हूँ कि यूट्यूब पर जाके सर्च करता हूँ हाउ टू मर्ज टू मल्टीपल वीडियोस इन वन वीडियो. तो मुझे क्या मिलता है, मैं एक मुझे ऐप मिलता है जो कि होता है एक वीवा वीडियो करके. एंड देन उसके बाद मेरे जितने भी वीडियोस थे मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से मर्ज किए. उसमें मेरे खुद के वीडियोस तो मर्ज किए तो किए ही, उसके साथ साथ हमने कुछ टाइगर श्रॉफ के एंड कुछ अदर जो फ्लिपर्स होते हैं उनके मैंने कुछ वीडियोस को मर्ज करके एक वीडियो बनाया एंड उसे अपलोड कर दिया यूट्यूब पे. हमारे इस चैनल की पहली वीडियो जो एक्चुअली है, मैंने उस टाइम पे बस एक वीडियो एडिट की थी जिसमें हम लोग खुद के बेस्ट फ्लिप्स को मर्ज करके एक अच्छी से वीडियो बनाई एंड उसमें मैंने अपना फेवरेट म्यूज़िक उस टाइम का ऐड किया था जो कि था गेट रेडी टू फाइट. एक्चुअली वो वीडियो अपने भी देखा होगा, वो एक वन ऑफ द मोस्ट वायरल वीडियो जो कि हमारे चैनल की है. फिर क्या, हमने वो वीडियो अपलोड कर दी एंड उसके बाद वो वीडियो ऐसी भागी कि हमारे चैनल पे 0 से 15 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए. फिर क्या, फिर हमने कंटिन्यूसली वीडियो एडिट करना और अपलोड करना स्टार्ट कर दी. बट इस बार वीवा वीडियो से नहीं, हमने इस बार एडिट की थी काइन मास्टर से जिसमें वाटरमार्क नहीं होता है. एक्चुअली ये इंडिया है और इंडिया में क्या होता है ना कि आप अगर एक आर्टिस्ट हो, आप एक अगर टैलेंटेड बॉय हो तो स्टार्टिंग पीरियड में आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है एंड ये हर जगह होता है. एंड अगर देखा जाए मेरी कहानी में तो एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग जहाँ पे प्रैक्टिस करते थे तो वहाँ पे एक गार्ड हुआ करता था एंड उस पार्क से हमें गार्ड वो हमेशा भगा दिया करता था. तो हम लोग उसके बाद से हर जगह भटके, हम लोग हर जगह प्रैक्टिस करने गए हैं. कभी तो वारंडोरी की, कभी रेती में गए हैं, कभी हम लोग कुछ ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस किए हैं एंड देन कभी हम लोग एक नीलडो की जंगल में जाके प्रैक्टिस किए. हम लोग बहुत जगह भटके हैं बट कभी रुके ही नहीं है. तो बस ये सब कुछ स्ट्रगल चलता गया एंड धीरे धीरे हमारे चैनल पर 15K से लेके 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए. पता है मैं खुद को ना बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ. तो रीज़न इज़ एक्चुअली मेरे स्टार्टिंग से ही मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे जो कि मुझे हमेशा सपोर्ट किए. मैं कभी भी कहीं भी अगर वीडियोज अगर बनाता तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी. एंड शायद वो लोग अगर ना होते तो मैं शायद आज यहाँ नहीं होता. एंड जो भी हो, एक्चुअली आप अगर ऐसा वीडियो शूट करते हो, आपके फ्रेंड्स अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो कभी भी उन्हें एक छोटे से ट्रीट देना ना भूलना. स्टार्टिंग से ही हमारे पास एक फ़ोन हुआ करता था
जिससे हम शूट भी करते थे एंड एडिट भी करते थे। एंड ना जाने हमने एक ही फ़ोन से कितने ही वीडियो बना दिए होंगे, चाहे कितने भी वीडियोज़ बना दें, अगर उस पर अगर आपका सपोर्ट भी अगर नहीं होता तो शायद आज हम लोग यहाँ पे होते। एंड अगर देखा जाए बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि बस मैं सोचता हूँ कि जो भी एक्चुअली होता है सब अच्छे के लिए होता है। अगर आप अगर डीमोटिवेट होते हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे आपका मन नहीं एक्चुअली नहीं लग रहा है करके, तो मैं ये सारी बातों को ना दिमाग से बस निकाल देता हूँ। मतलब कि आदत भी मेरी एक्चुअली ऐसी है कि मैं कुछ बातें भूल जाता हूँ, एंड ये भी जो होता है एक्चुअली अच्छे के लिए होता है। एंड मेरी मम्मी कहा करती थी जो तू करता है कि ये फ्लिप्स वगैरह क्या करता है, तो ये सब कुछ छोड़ दे, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। हमने पहले से ध्यान रखे कि आपको जिस चीज़ से क्या किक मिल रही है ना, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एंड हाँ, मुझे एक डायलॉग एक्चुअली अभी याद आ रहा है कि ये राज छोड़ा करके जो भी निकला है अपने सपने की ओर, ये कभी रुकेगा नहीं सारा। आपको पता है हमारे जो चैनल है ये चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, बट बाय चांस बाय लकीली हमारा ये चैनल रिवाइव भी हो चुका है। मतलब कि ऐसा होता है कि पता नहीं मेरा लग अच्छा है या फिर आपका सपोर्ट ही इतना ज़्यादा अच्छा है कि हमारे चैनल जब जब डेड होने पे आता है तो तब तक रिवाइव भी हो जाता है। मतलब कि जो मेरे पुराने वीडियोज़ है ना वो वीडियो अच्छे रन करते हैं एज़ कम्पेयर टू माई न्यूएस्ट वीडियो, जो नए हम लोग नए वीडियो रिसेंटली अपलोड करते हैं उस वीडियो पर उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है। एंड उसके हिसाब से अगर चैनल अगर चलता गया तो जो मेरे रिसेंटली जो वीडियो आ रहे हैं उस पर थोड़ा सा व्यूज़ कम आता है, तो हमारे चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका है एंड डेड हो जाएगा एक टाइम पर। बट क्या होता है ना कि पुराने वीडियोज़ पर आपके सपोर्ट इतने अच्छे मिलते हैं कि हमारे चैनल बच जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, प्लीज एंड बाय बाय।